आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं कि ये वाला सेक्शन इज मोर रिलेटेड टू दी थर्ड पेपर विच इज एक्चुअली द पेपर 4 कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, उसके साथ इसका ज्यादा ताल्लुक है, लेकिन थ्योरी में भी पेपर 1 या पेपर 2 में इसके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। मतलब क्या है इसका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस का मतलब ये है, दिस इज रिलेटेड टू सॉल्ट। हाउ? एक सॉल्ट का, व्हेन वी राइट द फॉर्मूला ऑफ ए सॉल्ट, अभी हमने बात की, तो देखिए NaCl एक लिखा या पढ़ा और एक AgCl देखा, तो इसका मतलब यह है कि सॉल्ट्स जो होते हैं, जिनकी डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनकी डिटेल से बात भी कर चुके हैं, दे कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दो आइंस हैं उनके अंदर, लाइक इसमें भी देख लें इसमें भी देख लें। वन आइन इज सोडियम प्लस, द अदर इज क्लोराइड आइन। इसमें अगर आप देखें तो सिल्वर प्लस एंड क्लोराइड आइन। सो अगर आप देखेंगे तो सॉल्ट्स जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ टू आइंस, उनके अंदर दो आइंस होते हैं, वन इज पॉजिटिव आइन, एक पॉजिटिव होता है जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं केट आइन, एंड द अदर वन इज नेगेटिव आइन जिसको हम कहते हैं एन आइन। तो इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि किसी, व्हेन अ सॉल्ट इज गिवन टू अस, एक सॉल्ट हमें दिया गया है और हमें पता है कि उस सॉल्ट में एक केटाइन है एक एनाइन है, तो हम एक्सपेरिमेंट करके कुछ टेस्ट करके पहले देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ केटाइन इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्ट, कि इस सॉल्ट के अंदर केटाइन कौन सा है, और दूसरी फिर स्टेप में या दूसरे टेस्ट करके देखेंगे कि इसमें एनाइन कौन सा है। तो वंस वी नो, वंस वी आर कंफर्म्ड कि भाई इसमें केटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है, देन वी कैन नो विच सॉल्ट वी आर डीलिंग विद, कि हमारे सामने कौन सा सॉल्ट जो है वो पड़ा हुआ है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस इज एक्चुअली, आप ये कह सकते हैं, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सॉल्ट। सो दिस इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल रिलेटेड, तो इसमें प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन अभी हम देख लें सबसे पहले कि केटाइन्स, सारे केटाइन्स के टेस्ट की हम बात नहीं करेंगे, कुछ की बात हम करेंगे विच आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस।